फ्रेंड्स, अनुश्री हियर एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, अब मेरी शादी की शॉपिंग होने वाली है स्टार्ट एंड मैं हूँ कोलकाता में। सो टुडे आई बी गोइंग टू एसी मार्केट सत्यनारायण बड़ा बाजार कोलकाता। बस मैं निकलने वाली हूँ। सो मैं दिखाऊंगी आपको शॉप्स जहाँ से आप भी अपनी शादी के लिए या फिर किसी और अच्छे फंक्शन के लिए परचेज कर सकते हैं कपड़े। कौन कौन सा शॉप है, क्या क्या मिलता है, प्राइस रेंज क्या है, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो बस हम लोग इसके बाद निकल गए शॉपिंग के लिए। एंड आप लोग को ऐसे लग सकता है कि मैं कोलकाता क्यों गई स्पेशली शॉपिंग करने के लिए, व्हेन आई एम फ्रॉम लखनऊ एंड मैं अभी करेंटली रहती हूँ गुड़गांव में। तो द आंसर इज़ वेरी सिंपल, बिकॉज वी आर बंगालीज एंड हम एक बार विजिट ज़रूर करते हैं कोलकाता बिफोर आर वेडिंग फॉर शॉपिंग फॉर वेरियस थिंग्स, जिसमें कि साड़ी इज़ द मेन थिंग जो हम शॉप करते हैं कोलकाता से। एंड दिस इज दी हावड़ा रेलवे स्टेशन जो आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, एंड दिस इज दी हावड़ा ब्रिज। मुझे कोलकाता आए हुए अराउंड एक साल हो गया है एंड सबसे पहले हम लोग इस शॉप में गए थे। इसका जो मुझे जो भी मतलब कपड़े दिखे उनका क्वालिटी मटेरियल काफ़ी अच्छा लगा और मुझे पसंद भी आ रहा था, बट ये फर्स्ट शॉप था तो मुझे और भी एक्सप्लोर करना था, इसलिए पहले जाके हमने नहीं लिया, बट दोबारा गए हम एंड जो मुझे पसंद आया था वो हमने मैंने पिक किया। यहाँ पे यू हैव टू बार्गेन। ये सत्य मार्केट एसी जो कॉम्प्लेक्स है पर्टिकुलर जहाँ पे मेरा जाने का मेन पर्पस था वो ये नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे शॉप हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं अलग अलग टाइप की चीज़ें ट्राई कर रही हूँ। दिस इज़ दी शरारा यू कैन से। मुझे अपने संगीत में कुछ इस टाइप का पहनना था, ऑल्दो मैंने ये वाला पीस लिया नहीं है एंड इसीलिए मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं आपको बताऊंगी नहीं कि मैंने क्या क्या लिया है क्या नहीं लिया एग्जैक्टली, क्योंकि वो शादी के व्लॉग्स में आप देख सकते हो। बाकी थोड़ा बहुत आइडिया ज़रूर दूंगी कि क्या क्या टाइप का आपको कपड़ा मिलेगा। तो ये देखिए, ये एक पीस था जो कि बहुत अच्छा लगा था मुझे। एंड इसके बाद हम लोग चले सत्यनारायण एसी मार्केट कॉम्प्लेक्स है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी अपने वीडियो के स्टार्टिंग में वहाँ पे। एंड ये अराउंड 2 फ्लोर्स में है एंड जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, यस। एंड उसमें आपको डिफरेंट शॉप्स मिल जाएंगे, ज्वेलरीज के, एसेसरीज़ के, ब्लेजर्स के, शेरवानी के, साड़ी के, लहंगों के, गाउन के एंड व्हाट नॉट। लेकिन प्राइस रेंज इज़ नॉट दैट अफोर्डेबल जैसे मैंने देखा था यूट्यूब पर, मतलब ठीक ठाक रेंज में आपको मिल रहा था, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था। एंड ये रहा एक ब्लेज़र एंड शेरवानी वगैरह का शॉप। सो हम लोगों ने ऐसा कुछ शेरवानी वगैरह लेना नहीं था हमें, बट वी वर एक्सप्लोरिंग। एंड ये मैंने एक दूसरा शॉप था वृद्धि फैशन करके, तो वहाँ पे मैं देख रही थी अपने हल्दी के लिए कुछ आउटफिट्स एंड वो ये था। यहाँ पे भी बहुत अच्छा कलेक्शन था। यहाँ पे भी आपको बार्गेन करना है, आप जितना चाहे उतना बार्गेन कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। एंड उनको लगेगा तो वो देंगे, अदरवाइज़ यू हैव मल्टीपल शॉप्स, सो ऐसा कुछ नहीं है। एंड आर्टिकल हर शॉप्स में डिफरेंट था, ऐसा नहीं था कि एक सेम आर्टिकल आपको हर जगह में वही वही दिख रहा है। कुछ आर्टिकल्स ऑब्वियसली सेम थे बट मेजॉरिटी अलग भी थे। एंड दिस इज़ द शॉप जिसके बारे में बता रही थी, दैट इज़ वृद्धि फैशन। तो यहाँ पे ये मेरी मम्मी है एंड वो कुछ गाउन्स वगैरह ट्राई कर रही थी, बिकॉज मैंने बोला कि प्लीज़ वेयर सम गाउन एनीथिंग लाइक दैट इन माय संगीत। एंड इसके बाद हम चले गए ब्लेज़र वर्ल्ड करके ये शॉप था आई गेस, बाकी मैं नाम डाल दूंगी स्क्रीन पे, आप एक बार चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अलॉन्ग विद द एड्रेस। सो यहाँ पे आपको हर टाइप का ब्लेज़र मिल जाएगा, हर कलर का, जो मांगोगे वैसा, दैट टू इन बजटेड प्राइस। और उसी लेन में उसके अगल बगल आपको बहुत सारी अलग शॉप्स मिल जाएंगी। उसके फ़ौरन बाद हम चले गए थे कॉलेज स्ट्रीट। अब कॉलेज स्ट्रीट हम क्यों गए थे, वहाँ जनरली बुक्स मिलती हैं, बुक के लिए वो बहुत फेमस है, बुक्स एंड ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स, बट वहाँ पे वेडिंग कार्ड्स भी मिलते हैं। तो मैंने अपना जो वेडिंग कार्ड है वो भी कॉलेज स्ट्रीट के एक शॉप से ही लिया था। एंड यहाँ पे बार्गेन होता है बट बहुत ज़्यादा भी नहीं होता है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट रेंज के कार्ड्स मिल जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 15-20 रुपीज़ टू इवन 100 रुपीज़, सो आप अकॉर्डिंगली परचेज कर सकते हैं। अब हम गए थे पैरामाउंट में। सो पैरामाउंट इज़ बेसिकली जूस और ड्रिंक शॉप जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के शेक्स, जूसेस, ड्रिंक्स मिल जाते हैं, बेवरेजेस। एंड ये है मैंगो मेनिया, इट हैज़ मैंगो मिल्क एंड
रेजन, कैशू, चॉकलेट, बहुत सारी चीज़ें थी एंड ये मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था एंड मुझे भी। बट ये फेमस है शॉप, इट्स फॉर डाब का शरबत, वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का कुछ बना के देते हैं बट वो मुझे ठीक ठाक लगा था, नॉट दैट समथिंग वेरी कुछ बहुत ही एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड, बट उससे बेटर मुझे ये मैंगो मेनिया लगा एंड अभी ये कोको करके कुछ था, ये भी बहुत टेस्टी था। बट जिसके लिए फेमस है, जो सब लोग पी रहे थे, वो एवरेज था, सो वो थोड़ा ओवर हाइप चीज़ लगा। बट ओवरऑल ये शॉप 100 ईयर्स ओल्ड है, मेरी मासी ने मुझे बताया। एंड ये रहा डाब शरबत जिसके बारे में मैं बता रही थी, तो ठीक था ये भी, रिफ्रेशिंग था काफ़ी ज़्यादा। बट अगर सिर्फ नारियल पानी पियो आप विदाउट एनी शुगर एंड ऑल, आई थिंक वो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर शुगर वगैरह कुछ डालना ही है तो यू कैन हैव शेक्स एंड ऑल, बट या इट वॉज गुड। एंड इसको पीने के बाद ही हम निकल गए थे वापस अपने घर के लिए एंड मेरी मासी है, मेरी कज़न एंड मेरे पापा हैं। फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू ऐड फ्यू मोर पॉइंट्स जो कि मैं पहले वीडियो में नहीं बता पाई थी पहले पार्ट में। फर्स्टली कोलकाता अगर आप जा रहे हो शॉपिंग करने के लिए तो जस्ट कीप इन माइंड कि वो सबसे बेस्ट है फॉर साड़ीज़। जो आपको साड़ी वहाँ मिलेगा, द कलेक्शन, द क्वालिटी, द वैरायटी, द वर्क एंड एवरीथिंग, वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा देश के कोने में। दिस इज़ वॉट आई बिलीव। एंड अगर आप बंगाली हो या बंगाली वेडिंग कर रहे हो तो यू शुड डेफिनेटली विजिट कोलकाता वंस फॉर साड़ीज पर्टिकुलरली। अब मैंने जो साड़ी परचेज़ की है अपने लिए, वो मैंने किसी और जगह से परचेज़ की है, बड़ा बाज़ार से नहीं लिए मैंने। उसका मैं लोकेशन आपको जो एड्रेस है वो डाल दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो आप चेकआउट कर लेना। वो मैंने वीडियो शूट नहीं किया है, मैंने थोड़े बहुत रील्स बनाए हैं जो कि मैं शादी में या शादी से जस्ट पहले शेयर करूंगी, बिकॉज आई डोंट वांट टू शेयर दैट, कुछ चीज़ें आई वांट टू कीप इट अ बिट प्राइवेट। बट हाँ, वहाँ पे आपको साड़ी का कलेक्शन बहुत अच्छा मिलेगा। बनारसी साड़ी ली है मैंने, कलर नहीं बताऊंगी अभी, बट आपको हर एक कलर में हर एक वर्क पे मिल जाएगा। मतलब आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे वहां जा करके कि क्या लूँ और क्या नहीं, तो उसका एड्रेस मैं दे दूंगी। अब बात करते हैं साड़ी के अलावा और चीज़ों की। तो अगर आप कोलकाता से हो या कोलकाता के नियर बाई प्लेसेस से हो तो कोलकाता में न्यू मार्केट है, जहाँ का मैंने ऑल्दो नहीं दिखाया, बट वो एक मार्केट है, प्लस बड़ा बाजार। बड़ा बाजार में भी एसी सत्यनारायण मार्केट, एसी बस नाम का ही, एसी वर्क नहीं करता है, वो 2 फ्लोर का कॉम्प्लेक्स है। इट्स लाइक काइंड ऑफ चांदनी चौक ओनली एंड प्राइस रेंज वैसा मिल जाता है। मुझे ये जो बड़ा बाजार का मार्केट ही अच्छा लगा, यहाँ पे सब चीज़ें सही हैं। बट यूट्यूब में मैंने कुछ चीज़ें देखी थी लाइक कि यहाँ पे बहुत सस्ती चीज़ें मिलती हैं एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत ज़्यादा भी बार्गेन नहीं होता है। ओमियोर करके शायद शॉप है, उनका मैंने वीडियो देखा था, दे हैव दिस ह्यूज वराइटी ऑफ शरारा, दे वर क्लेमिंग शरारा, गरारा एंड ऑल, तो मैंने वो देखा था उनका वीडियो। तो आई फाउंड आउट कि वहाँ तो गरारा शरारा कहीं मिलता ही नहीं। उनके 2 शॉप थे, वन इज़ होलसेल एंड वन इज़ रिटेलर, किसी में भी गरारा नहीं, दे टोल्ड मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो वीडियो कहाँ से आया, आई डोंट नो। इसलिए कुछ वीडियोज़ यूट्यूब के मिसलीडिंग भी होती हैं और कुछ सही भी होती हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें ऑब्वियसली सही थी जो मैं गूगल से देख कर गई थी या मैंने यूट्यूब वीडियोज़ में देखे, तो आप भी थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा, प्लस मैंने जो बताया आई होप कि वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहे। अपनी ज्वेलरी शॉपिंग मेरा रह गया, अभी हल्दी का भी आउटफिट रह गया, तो हल्दी आउटफिट का आइडियाज़ मैं और शिवम बैठ करके डिसाइड करेंगे क्या लेंगे, वो मैं थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर करूंगी। आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी है वो मैं कहाँ से लूंगी, वो मोस्ट प्रॉब्ली मैं चांदनी चौक से ही लूंगी या फिर सदर बाजार इन किसी जगह से लूंगी। इन कोलकाता यू हैव श्री लेदर्स ऑल्सो, लाइक श्री लेदर इज अ ब्रांड फॉर शूज एंड ऑल द लेदर रिलेटेड थिंग्स, जैसे खादिम्स वगैरह, जूते वगैरह वहाँ पे उनके बहुत अच्छे हैं, चीज़ें अच्छी मिल जाती है, प्राइस भी ठीक ठाक है, तो कुछ हाई बजट प्राइस भी चीज़ें हैं। बैग लिया है मैंने वहाँ से इनफैक्ट। इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, अब मैं आप सब लोगों से मिलती हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे गॉर्जियस।